जनरल वाली वैल्यू वाले जो क्वेश्चंस हैं दैट वन आर द डिलीटेड वंस, वो नहीं करने हैं आपने। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करवा रही हूँ मैं, दैट इज कॉस स्क्वायर कॉस टू द पावर 4 पाई बाय 8, कॉस टू द पावर 4 पाई बाय 8 प्लस कॉस टू द पावर 4 3 पाई बाय 8 cos to the power 4 5 pi by 8 plus 7 pi by 8, हमें ये गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। हाँ जी, क्या करें बेटे इसमें? पहले तो cos to the power 4 को हम cos square का square लिख लेंगे, फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप, वन प्लस कॉस ट्वाइस ऑफ द एंगल कन्वर्ट करेंगे, सो दिस इज वन प्लस कॉस, डबल लोगे इसका तो ट्वाइस ऑफ पाई बाई 8 कैन बी रिटन एज पाई बाई 4। यहाँ पे मैंने कंसेप्ट लगा लिया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो कॉस स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉस 2 थीटा लोगे जब आप, पाई बाई 8 का ट्वाइस दैट इज पाई बाई 4 अपॉन में 2, सेम हियर 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 4 हो जाएगा ये आपका, दिस विल बी 1 प्लस कॉस 5 पाई बाय 4 एंड दिस विल बी 1 प्लस कॉस 7 पाई बाय 4। यहाँ पे हर एक में आपका स्क्वायर है और प्लस का साइन है, सो 1/2 का स्क्वायर विल बी 1/4 हेयर, 1/4 हेयर, 1/4 हेयर, 1/4 हेयर, तो चारों टर्म्स में से जो है 1/4 हम बाहर लेके यहाँ लिख देते हैं। एंड अगेन यहाँ पे भी ये था आपका 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 4 बन गया ये। हाँ जी, इसमें से ये 2 मैंने रिमूव कर दिए, ये वाला स्टेप समझ आ गया। हर एक में अपॉन में 4 था तो मैंने 1/4 बाहर ले लिया। अब जब मैंने ये बाहर लिया, अच्छा ये स्क्वायर्स में है तो ऐसे नहीं लेना, पहले हमें स्क्वायर्स जो है वो ओपन करेंगे। स्क्वायर्स भी ओपन करने से पहले हम इनको रीराइट करेंगे, दिस इज 1 प्लस कॉस पाई बाय 4 ये एज इट इज ले लेंगे, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, ये क्या है 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 मीन्स 135 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 प्लस 45, तो ये क्या है कॉस ऑफ 135 बन रहा है आपका। अब 90 प्लस 45 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं, कॉस ऑफ 19 टू ऑड नंबर है तो साइन में चेंज होगा, और इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में दिस इज नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या बन गया ये माइनस साइन 45, ठीक है। या इसको मैं और एक मेथड है कि कॉस साइन में नहीं रखना चाहती मैं इसको, मैं इसको पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकती हूँ, 3 पाई बाय 4 को एलसीएम ले लेंगे हम। तो अब मैंने दोनों तरफ अगर कॉस लिया तो कॉस 3 पाई बाय 4 ये किससे रिप्लेस हो गया, कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4, अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट बन रहे, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्योंकि 90 इंटू इवन नंबर है या 180 माइनस वाली फॉर्म हमेशा सेम रहती है, तो कॉस ऑफ पाई बाय 4 लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगला सेम वे में हम करेंगे, कॉस ऑफ 5 पाई बाय 4 है, 5 पाई बाय 4 को क्या लिख सकती हूँ मैं, पाई प्लस पाई बाय 4। अब पाई प्लस पाई बाय 4 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस इज
नेगेटिव, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वन माइनस कॉस पाई बाय फोर का स्क्वायर, ठीक है। अब सेवन पाई बाय फोर, टू पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव। अब इसको सिंप्लीफाई करो एंड गेट योर आंसर। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, या पहले आप वैल्यू पुट कर लो कॉस फाइव बाई फोर की वन बाई रूट टू एंड देन सिंप्लीफाई, ओवरऑल सिंप्लीफाई करके आंसर बताइए क्या आएगा जल्दी से। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो डू दिस, कॉस फाइव बाई फोर इज वन बाई रूट टू, चाहे तो आप इसको रूट टू प्लस वन ले लो, या फिर डायरेक्ट आप पहले स्क्वायर खोल के इसको सिंप्लीफाई कर लो, जैसे कन्वीनियंट लगता है गो फॉर दैट। ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये बन गया मेरा वन प्लस वन बाई टू प्लस टू बाई रूट टू। अगला बनेगा वन प्लस वन बाई टू माइनस टू बाई रूट टू, अगला बनेगा वन प्लस वन बाई टू माइनस टू बाई रूट टू, एंड द नेक्स्ट वन विल बी वन प्लस वन बाई टू प्लस टू बाई रूट टू। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। सो अब प्लस टू बाई रूट टू माइनस टू बाई रूट टू माइनस टू बाई रूट टू प्लस टू बाई रूट टू, ये सारा आपका कैंसिल आउट हो गया, वी आर लेफ्ट विद बाहर वन बाई फोर भी है। सो वन प्लस वन बाई टू प्लस वन प्लस वन, पहले वन से ऐड कर लो, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन फोर हो गया ये, एंड देन हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ दैट इज टू, तो सिक्स बाई फोर आ गया, दैट इज थ्री बाई टू। ये ब्रैकेट आपकी सिंप्लीफाई करके फोर टाइम्स वन एग्जिस्ट कर रहा है, फोर टाइम्स हाफ एग्जिस्ट कर रहा है, तो दिस इज सिक्स, बाहर आपका वन बाई फोर था, तो दिस इज सिक्स बाई फोर, that is 3 by 2, so this is your answer, done, aa gaya samajh, chaliye agle pe, next hai hamare paas cos cos 2 pi by 15 cos 4 pi by 15 radians में है ये, cos 8 pi by 15 cos 16 pi by 15 is equal to 1 by 16, prove that करना है, prove that cos 2 by 15 into cos 4 by 15 into cos 8 by 15 into cos 16 pi by 15 is equal to 1 by 16. पहले इसको हम डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो हमें ज्यादा इजी रहेगा। अब देखो 2 pi by 15 means ट्वेंटी फोर आ जाएगा ये आपका, so this is cos 24 degrees, 4 pi by 15 हो जाएगा 48, 8 pi 96 and 16
बताओ इसको सिंप्लीफाई करके, रमनीक जल्दी से बताइए जी। 12, 48, 24, 48, 96 and हाँ जी 192। इस तरह का हमने पहले नहीं किया हुआ, हमने जो पहले क्वेश्चंस किए हुए हैं उसमें हमारे पास बीच में एक जो है वो रिड्यूस हो जाता होता था, अकॉर्डिंगली हम करते थे। अब हमने 2 cos A cos B वाली फॉर्म में इसको लेके आना है, तो क्या करें? टू कॉस ए कॉस बी या 2 sin A sin B समहाउ कुछ ऐसा बनाना है हमने कि ये हमारा सम उसमें रिड्यूस हो जाए। पहला मेरे पास क्या है कॉस 24, अगला क्या है कॉस 48, उसका डबल, उससे अगला उसका डबल, उससे अगला उसका डबल। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यानी कि डबल एंगल वाले फॉर्मूला में हमने कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, पहले 1/2 sin 24 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया साइन 24 से। ठीक है, क्योंकि कॉस 24 का मुझे जब डबल बनाना है तो 2 sin A cos B वाला फॉर्मूला लगा लूंगी मैं, तो ये बन गया 2 sin 24 cos 24। ये मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया, बाकी एज इट इज चलेंगे। ठीक है, अब ये क्या फॉर्मूला बन गया, साइन 48 हो गया, इसके साथ कॉस 48, देन कॉस 96 एंड कॉस 192, अगेन 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ये 2 sin A cos B तो दैट इज साइन 2A, तो ये क्या बन जाएगा साइन 96 ठीक है, यहाँ क्या आया कॉस 96 एंड कॉस 192। लास्ट तक बताओ लास्ट स्टेप क्या बनेगा डबल करके। अब इनको ऐसे ट्वाइस में कन्वर्ट कर लोगे, 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा कॉस साइन 192 ठीक है, कॉस 192 और अपॉन में क्या चल रहा है मेरे पास 1/8 sin 24, फिर से 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही चीज की ना, ये आ गया था। अब मुझे अगला एंगल 192 चाहिए, फिर से उसका डबल है, तो मैंने फिर 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 sin A cos B साइन 2A बन गया, तो साइन 192 आ गया, कॉस 192 एज इट इज आ गया। अब फिर से 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ठीक है, ये फिर वही फॉर्म बन गई 2 sin A। हाँ, तो मेरे पास क्या रह गया 1/16 sin 24 इंटू कॉस ऑफ 384 साइन 2A आएगा ना। हाँ, अब साइन 24 और साइन 384 मुझे आंसर में क्या चाहिए 1/16, इट मींस ये कैंसिल हो जाना चाहिए, तो मैं इसको रीराइट कर लूंगी, इसको मैं क्या लिख लूंगी साइन ऑफ 360 + 24 को मैंने स्प्लिट कर लिया 360 + 24। अब साइन 360 यहाँ प्लस 24 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अब 360 इवन है तो साइन का साइन रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा, तो साइन 24 के इक्वल हो गया ये, तो 1/16 sin 24 × sin 24 ये कैंसिल आउट होके क्या रह गया मेरे पास राइट हैंड साइड। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जिनमें हमें ये वैल्यूज नहीं पता होंगी, बट हमने इस वे में सिंप्लीफाई करना है।
डन कर लो, कोई बात नहीं, आराम से। टेन एक्स हमें गिवन है 1/7 और टेन वाई हमें गिवन है 1/3 हमें प्रूव करना है या शो करना है कॉस 2x जो है दैट इज इक्वल टू साइन 4y कॉस ट्वाइस ऑफ द एंगल इज इक्वल टू साइन 4y देखो x वाली टर्म्स में tan की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे डबल एंगल है, यहाँ पे 4 times एंगल है, यहाँ पे cos की है टर्म, यहाँ पे sin की टर्म है, तो cos 2x को क्योंकि मुझे tan x की वैल्यू गिवन है तो मैं tan x की फॉर्म में लिख सकती हूँ cos 2 थीटा वाला एंगल tan की टर्म्स में, दैट इज 1 minus tan स्क्वायर x अपॉन 1 plus tan स्क्वायर x, ठीक है। अब साइन फोर वाई का अगर मैं एंगल लूं तो मेरे पास वो टू टेन टू एक्स की टर्म्स में आएगा, सेम मतलब जो है यहाँ 2x था तो x हो गया, 4y है तो 2y की फॉर्म में आएगा, तो मैं पहले क्या करूंगी इसको 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगी, दिस कैन बी रिटन एज 2 sin 2y cos 2y, इसका डबल हो गया एंगल, यहाँ पे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin 1/2 ऑफ द एंगल कॉस 1/2 ऑफ द एंगल। अब 2 sin 2y का tan की टर्म्स में दैट इज 2 tan y अपॉन 1 plus tan स्क्वायर y और cos 2y वाला सेम फॉर्मूला, x था तो x था, y है तो y की टर्म्स में आ जाएगा। अब दोनों मेरे पास वैल्यूज हैं, वैल्यूज पुट करो और चेक करो वेदर बोथ ऑफ दीज आर इक्वल और नॉट, अगर इक्वल आ रहे हैं तो हमारा यही चीज हमने प्रूव करनी है, पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। टेन एक्स 1/7 है और टेन वाई आपका 1/3 है। टेन एक्स 1/7 पुट कर दो यहाँ पे, कैंसिलेशन हो गई, अब यहाँ पे पुट कर दो वैल्यूज।
एक मिनट मुझे चेक करने दो वेदर इट इज 1/3 और 1/5. इट्स 1/3. ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास 2 × 2/3 अपॉन में दिस इज 10/9 एंड दिस इज 8/9 अपॉन 10/9. ये वाला अपॉन में 9 आपका कैंसिल आउट हो गया, ये वाला 9 आपका ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा. सो दिस इज 12/10 इंटू 8/10. सो दिस इज 24/25 अगेन. सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर कॉस 2x इज इक्वल टू साइन 4y. कॉस 2x इज इक्वल टू साइन 4y. हो गया बेटे, आ गया आंसर. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्रूव दैट. ये हमने प्रूव करना है दैट cos x plus sin x upon cos x minus sin x minus cos x minus sin x upon cos x plus sin x. cos x plus sin x upon cos x minus sin x minus cos x minus sin x upon cos x plus sin x. लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, LCM लो. ये होल स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, cos x plus sin x into cos x minus sin x. और यहाँ पे नेगेटिव साइन एज इट इज, ये भी आपका होल स्क्वायर हो जाएगा. ये स्टेप क्लियर है बेटे? ठीक है, एलसीएम लिया सिंपली. अब ब्रैकेट्स ओपन कर दो फॉर्मूला लगा के, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस प्लस 2 साइन x cos x माइनस cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x cos x अपॉन में a प्लस b इंटू a माइनस b cos square x minus sin square x. अब cos square x minus cos square x plus sin square x minus sin square x cancel out होके we are left with 4 या twice of 2 sin x cos x upon me cos square x minus sin square x that is cos 2x. 2 sin x cos x is again sin 2x अपॉन में cos 2x. सो दिस इज 2 tan 2x. सो दिस इज ट्वाइस ऑफ tan 2x. हां जी
ये वाला था, ये 2 sin x cos x 2 sin x को 4 sin x cos x था ना, तो मैंने ट्वाइस ऑफ 2 sin x cos x, 4 को 2 into 2 लिख लिया। अब नेक्स्ट जो है वो बुक में आपका ए बी सी के टर्म्स में गिवन था, तो सेम टाइप आपकी वैल्यूज की फॉर्म में भी आ सकती है। दिस इज tan 70, प्रूव करना है हमने, प्रूव दैट tan 70 इज इक्वल टू tan 20 प्लस 2 tan 50। तो 70 को क्योंकि हमने 20 और 50 के फॉर्म में लिखना है, तो व्हाट वी विल डू, 70 को हम स्प्लिट कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, 20 प्लस 15, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली tan 70, 70 को हमने स्प्लिट कर लिया 20 प्लस 50। क्या करें अब नेक्स्ट स्टेप, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है राइट हैंड साइड पे, टेन ऑफ ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है, टेन ए प्लस टेन बी। बिल्कुल ठीक, अब लग रहा है कि पढ़े हो, 1 minus tan 20 tan 50 एंड दिस इज tan 70। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करिए इसको, tan 70 माइनस tan 20 tan 50 tan 70 इज इक्वल टू tan 20 प्लस tan 50। अब हमें आंसर जो है वो सिर्फ 70, 20 और 50 की टर्म्स में रखने हैं, तो 70 वाली जो है मतलब आंसर जो राइट हैंड साइड मुझे चाहिए दैट इज इन टर्म्स ऑफ 20 एंड 50, तो जो आपका ये वाला tan 70 होगा इसको आप कन्वर्ट कर लोगे, इस tan 70 को हम कन्वर्ट कर लेंगे tan ऑफ 90 माइनस 20। अब tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो ये cot 20, ये tan 20 और ये tan 50, राइट हैंड साइड एज इट इज। अब tan 20 और cot 20, tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ये टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी, tan theta is 1 upon cot होता है, एंगल सेम है तो कैंसिल आउट होके क्या रह गया, tan 70 माइनस tan 50 दिस इज इक्वल टू tan 20 प्लस tan 50, तो माइनस tan 50 आप उधर ले जाओगे, तो tan 70 is tan 20 plus tan 50 plus tan 50 is 2 tan 50, तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी एंड वी हैव प्रूव्ड दैट टू बी इक्वल टू tan 20 plus 2 tan 50। एक्चुअल में हमने सिर्फ ये उठाया था, tan 70 को हमने रीराइट किया एंड देन वहां पे हमने tan ऑफ a plus b का फॉर्मूला लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जब आपका ए बी सी की टर्म्स में था तो यहाँ आपका आंसर फिनिश हो जाता था, रीराइट करके लिख लेते थे, यहाँ पे क्योंकि जो मुझे प्रूफ करना है दैट इज इन टर्म्स ऑफ 20 एंड 50 ओनली, तो मैंने यहाँ वाला जो 70 था उसको 20 की टर्म्स में कन्वर्ट किया, 70 को रीराइट कर लिया 90 माइनस 20 की फॉर्म में, tan ऑफ 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, cot रेसिप्रोकल ऑफ tan है विद सेम एंगल्स, तो कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है,
उसके बाद अगर बेल हो गई तो दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो, तो दिस यू विल कम्प्लीट योर सेल्फ. हमें गिवन है टेन एक्स इज इक्वल टू 3/4 और x lies between pi to 3π/2 यानी कि थर्ड quadrant. And we are to find the value of sin x/2 and cos x/2. साथ ही tan भी ले लो, sin cos को divide कर दोगे तो you will get tan x/2. तो जब इस तरह के क्वेश्चंस हमें गिवन है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे. कॉस से हमें साइन और कॉस हाफ ऑफ द एंगल वाली वैल्यूज निकालनी इजी हो जाती हैं. यानी कि हम एक तरह से कॉस 2θ वाली वैल्यूज निकालेंगे तो उसको हाफ ऑफ द एंगल में कन्वर्ट करने के लिए वी विल बी हैविंग कॉस ऑफ हाफ ऑफ द एंगल इज 1 + कॉस डबल एंगल बाय 2 एंड साइन निकालने के लिए That will be 1 - cos double angle. ठीक है, तो हमने क्या करना है, यानी कि यहाँ पे cos x की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास sin x/2 एंड cos x/2 की वैल्यूज आ जाएंगी. तो cos tan x 3/4 है. tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो हाइपो कितना आ जाएगा, 5. Using Pythagoras theorem, ठीक है. तो tan cos x क्या होता है, that is base upon hypo. Base कितना है, 4. Hypo कितना आया, 5. Cos x की value आ गई 4/5. इसमें put करेंगे और sin cos की value आ जाएगी. Sin को sin x by 2 को cos x by 2 से divide करोगे, tan x by 2 आ जाएगा. Tan x by 2, tan किसके equal होता है, sin by cos. तो तीनों एंगल सेम रखेंगे ना, ठीक है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स बच्चे, इफ एनी डाउट इज देयर देन यू कैन आस्क, अदरवाइज एज द बेल हैज गॉन सो आई एम एंडिंग द मीटिंग. ओके फाइन देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.